नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि भामंडल में आगामी तीन भव दिखाई देते हैं, लेकिन आयु कर्म तो सिर्फ अगले जन्म के लिए ही बंधता है। तो फिर जो निश्चित नहीं है वो हमें कैसे दिख जाता है? और अगर ये निश्चित है तो भव से भाव मिला या भाव से भव बना, कृपया मार्गदर्शन करें। तो हमें लगता है सब कुछ पूर्व निर्धारित है, और जब सब कुछ पहले से निर्धारित है ही, तो हमारा पुरुषार्थ क्या? फिर जो होना होगा सो होगा, और जो होना होगा वही होगा। ये धारणा तत्व विचार की दृष्टि से सही नहीं। ज्ञान की विशदता से, ज्ञान की विशेषता से ज्ञानी जन हमारे भविष्य की संभावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, और उनके ज्ञान में इतनी क्षमता होती है कि हमारी भावी अनेक पर्यायों को वो अपने ज्ञान का विषय बना भी लेते हैं। लेकिन वो हमें कुछ ही बताते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है जो अनकहा होता है। तो इन स्थूल पर्यायों को देखकर हमें ये भ्रम नहीं रखना चाहिए कि सब कुछ सुनिश्चित है, बहुत कुछ अनिश्चित भी होता है। एक उदाहरण देता हूँ। सम्राट श्रेणी सातवें नरक की आयु का बंध किया था, नरक तो उसको जाना था, पर गया कहाँ? कितनी आयु बांधी थी पहले? अब कितनी आयु है? 84,000 वर्ष। कहाँ सागर समुद्र और कहाँ चुल्लू भर पानी, बदलाव आया ना। तो कोई अगर आपको भविष्यवक्ता कह भी दे कि ये सब सुनिश्चित है तो विचलित मत होना। समझ गए? जितना हो उसको बदला जा सकता है,